जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो रोमानिया वर्क परमिट के बारे में है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल मेरे साथ जो है ना मसलन कुछ लोगों ने वर्क परमिट अपने शेयर किए तो वो टोटली फेक वर्क परमिट थे। एडिटिंग की हुई थी सही है, ओरिजिनल वर्क परमिट के ऊपर जो है ना मैंशन जो है वो डेट और उनके नाम मैंशन कर कर जो है ना उन्होंने चेंज किए हुए थे, जिसकी वजह से जो है ना जो नया बंदा उसको महसूस ही नहीं होता था कि ये फेक वर्क परमिट है या ओरिजिनल वर्क परमिट है। तो इसलिए जो है ना अभी सबसे पहली बात तो ये कि जो है ना सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बंदा आपको बोले कि मैं एक मंथ के अंदर आपको वर्क परमिट दूंगा वो 100% जो है ना वो बंदा झूठा है और फ्रॉडी है। सही है, एक मंथ के अंदर वर्क परमिट मिलता ही नहीं है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जाने के बाद 10 से 15 दिन तो कंपनी वैसे ही सोचने में टाइम लगा देती है और आप कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स पहुंचते वक्त 10-15 दिन तो ऐसे ही लग जाते हैं। उसके बाद जो है ना बाकी जो प्रोसीजर बाद में स्टार्ट होता है। तो अब क्या हुआ कि इनके जो वर्क परमिट थे इनको एक मंथ के अंदर जो है ना एक मंथ भी पूरा नहीं हुआ, 28 दिन के अंदर जो है इनको वर्क परमिट रिसीव हुए। रिसीव होने के बाद ऐसे बेवकूफ़ बंदे ना यकीन करे मैं भाई बुरा ना मनाना ठीक है, हो सकता है वो भी वीडियो देख रहा हो तो मेरी तो गुस्सा इसलिए आता है मुझे कि जब जब आपने मुझसे पूछना ही था ठीक है तो फिर आप थोड़ा सा सब्र कर लेते। इन्होंने क्या किया कि जो है ना इन्होंने वर्क परमिट इन्होंने रिसीव किया, वर्क परमिट रिसीव करने के बाद जो है ना जेंट ने 5 लाख रुपया और मांगा। उन्होंने इस भाई ने पता क्या किया, इस भाई ने 3 लाख रुपया उसको दे दिया। 3 लाख देने के बाद जो है ना 3 दिन बाद जो 3 दिन यानी कि वर्क परमिट आए तकरीबन कोई 7 दिन हो गए हैं, लेकिन वर्क परमिट आने के बाद 3 दिन बाद इस बंदे ने 3 लाख रुपया दे दिया। और ये तीन बंदे हैं, 3 लाख रुपया दे दिया, एक ने 2 लाख दिया, दोनों ने 3-3 लाख रुपया दिया और तीनों वर्क परमिट मेरे पास आए, तीनों के तीनों फेक वर्क परमिट थे। तो जब उसने दिए तो मैं मुझसे पूछ रहे भाई आप बताएं कि ये वर्क परमिट हमारा ओरिजिनल है कि फेक है। तो मैंने ना जब वर्क परमिट देखा, वर्क परमिट देखने के बाद मैंने उसे दस्ती कॉल की, कॉल करने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई पैसे ना 1 रुपया भी देना आपका वर्क परमिट फेक है। उसने बोला भाई मैंने तो पैसे दे दिए यार, मैंने तो 3 लाख रुपया दे दिया और मेरे साथ वालों ने भी दे दिया, हमारा टोटल जो है ना वर्क परमिट आने के बाद जो है ना हमारा 8 लाख रुपया उनके पास चला गया। तो मैंने कहा यार भाई आप जो है ना जब आपने मुझसे पूछना, आपने किसी से पूछा नहीं, कहता तो भाई मैंने आपको मैसेज किया था आपने मैसेज नहीं देखा, तो आज 2 दिन बाद आप मैसेज देख रहे हैं। मैंने कहा वर्क परमिट ओरिजिनल होगा, तो मैंने कहा जब आप मुझे आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड किया, वर्क परमिट सेंड किया तो थोड़ा बंदा इंतजार यार, कोई भी बंदा अगर जो है ना मैं नहीं आपको बता रहा हूँ किसी और से पूछ ले आप, जब आपको पता है कि जो है ना मसलन अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो तो वो क्लियर करवा लिया करे। तो उस भाई ने जो है ना मुझे मुझे बोला कि भैया आपने लेट रिप्लाई किया मुझे। तो मैंने कहा जब मैंने वर्क परमिट देखा मैंने फ़ौरन आपको कॉल की, कॉल करने के बाद मैं क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट के अंदर अब क्या हो रहा है, किस तरह के ड्रामे हो रहे हैं, तो भाई उनके साथ जो है ना फिर मैंने बोला कि आप जो है ना दोबारा उनके साथ बात करें, दोबारा बात कर कर ना उनको बोले कि हमारा जो वर्क परमिट है ना फेक है तो आप मुझे क्यों फेक वर्क परमिट दिया। तो इन्होंने बात की, बात कर कर ना वो पहले तो बात पर नहीं आ रहे थे, कहते कि किसने बोला आपको वर्क परमिट फेक है। फिर बाद में जो है ना कुछ कोई 2-3 घंटे बाद इन्होंने फिर कॉल की कि भाई वर्क परमिट हमारा सर जी हमारा फेक है, हम आपके पास आ रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स और हमारे पैसे वापस कर दें। तो कहता भाई यार कंपनी ने वो ना हमें तसल्ली देने के लिए जो है ना हमें फेक वर्क परमिट दिए, कंपनी ओरिजिनल वर्क परमिट देगी, आप थोड़ा सा वेट करें। यानी कि 2 लाख रुपया पहले एडवांस दिया, 3 लाख अभी बाद में दे दिया, 5 लाख उनके पास चला गया। सही है, तो अब जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे इनके और मर्ज़ी से पैसे देंगे, पैसे अभी जो है ना फंस गए। इसलिए जो है ना कोई भी जब आप जल्दी का काम करते हैं ना तो जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। तो ये बात अपने जहन से जो है ना निकाल दें कि आपका वर्क परमिट 1 मंथ के अंदर आ जाए। जो यूट्यूब कोई भी बंदा अगर आपको बोले कि 1 मंथ के अंदर वर्क परमिट है ही नहीं आया यार, वर्क परमिट 1 मंथ के अंदर आ जाए। बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप मुझे जो मर्ज़ी कहें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि 1 मंथ के अंदर वर्क परमिट बिल्कुल नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है ना, हाँ ये आप कह दें कि 45-50 दिन के अंदर वर्क परमिट आ रहा है आपका तो वो भी ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि ये भी सच ही नहीं है कि आपको वर्क परमिट अगर 45-50 दिन बाद वर्क परमिट रिसीव होता है कि वो ओरिजिनल है या फेक है। ये आप जो है ना थोड़ी सी वेरिफिकेशन करवा लिया करें
एडवांस तो जो दिए होते हैं उसके बाद जो पैसे है ना वो मेन पैसे होते हैं, उसके बाद जो है ना जो जिस बंदे ने आपके साथ स्कैम और फ्रॉड करना ना वो वर्क परमिट आने के बाद करता है मेन, क्योंकि 2 लाख उसका फ्रॉड करना उसके लिए जो है ना कुछ नहीं होता, इसलिए जो है ना वो ज़्यादा पैसे के चक्कर में होता है, फिर फेक वर्क परमिट आपको देकर आपसे पैसे निकालता है। तो बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं मैसेज नहीं रिप्लाई करता, कोई पर्सनल काम होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा वेट कर लिया करें भाई, अगर कोई इस तरह का मामला होता है मैं 10 ही कॉल करता हूँ बंदे। बाकी अपना ख्याल रखें, लव यू हो गया।